नीतीश कुमार 19 साल से यहाँ पर सत्ता में हैं और इन 19 सालों में करीब करीब 15 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं। इन 15 सालों में 10 साल भाजपा भी केंद्र में रही है, तो ये कोई पहली बार मौका नहीं आया। लेकिन इस बार केंद्र सरकार आज करीब करीब नीतीश के बिहार के सांसदों के भरोसे चल रही है या उनके समर्थन पर टिकी हुई है। आप स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, मैंने अभी सभागृह में 10,000 लोगों के सामने ये सवाल पूछा कि भाई आपने टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा सुना कि नीतीश कुमार ने मंत्रालय मांगा, नीतीश कुमार ने अपने लिए 5 वर्ष की मुख्यमंत्रीशिप मांगी, नीतीश कुमार ने यहाँ के भाजपा के संगठन में जो फेरबदल कराना चाहते थे वो करवाया, नीतीश कुमार जिसका मुरेठा खुलवाना चाहते थे वो खुलवाए। ये सब काम करने के लिए नीतीश कुमार की समझ है, उनकी ताकत है। लेकिन उसी नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि भाई बिहार में बंद चीनी मिलों को चालू कराइए तब हम आपको समर्थन देंगे, और आपने जनता का उस पर रिस्पॉन्स देखा, एक एक आदमी ने हाथ उठाकर बोला कि नहीं, बिहार में के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए था कि हमारे बंद चीनी मिल को चालू कराओ, हमारे हर जिले में कम से कम एक उद्योग फैक्ट्री एक लगाओ तब हम समर्थन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ना है। लेकिन उनको तो वो चाहिए नहीं, उनको चाहिए मंत्रालय, और सबसे बढ़कर उनको ये चाहिए कि बिना किसी ताकत के बिना जन समर्थन के किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री कैसे बने रहे। भाजपा ने वो स्वीकार कर लिया, नीतीश जी खुश है, उनको क्या मतलब है बिहार से।